अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू पीपल। वीडियो एडिटिंग कोर्स की क्लास नंबर 11 में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज की क्लास में बात होगी लेगेसी टाइटल के हवाले से और इसी के साथ साथ बात होगी एक्सपोर्ट सेटिंग के हवाले से। तो नाज़रीन कराम, सबसे पहले अपनी स्क्रीन पे आ जाते हैं। स्क्रीन पे आ चुके हैं तो नाज़रीन, सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि लेगेसी टाइटल पिछली वीडियो में मैंने थोड़ा सा उसका टच दे दिया था, यहाँ से लेगेसी टाइटल होता है। लेकिन आज की इस वीडियो में खुसूसी तौर पर बना रहा हूँ ताकि आपको बता सकूं कि आखिरकार इससे हो क्या क्या सकता है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप कोई स्क्रीन पे कोई टेक्स्ट ऐड करना चाह रहे हैं तो उसका तरीका सिंपल है, मैं आपको बता चुका हूँ। B3 कंसल्टेंसी लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये एक सिंपल सा टेक्स्ट यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया जो कि मुझे वाइट सही नहीं लग रहा, मैं चाहता हूँ ये ब्लैक हो जाए। ठीक है नाज़रीन करम, ब्लैक कर दिया इसको मैंने और मैं चाहता हूँ इसके ऊपर वाइट कलर का स्ट्रोक हो, अच्छा सा लगे, थोड़ा सा बड़ा सा लगे। तो ये सिंपल सी एडिटिंग मैंने कर दी जो कि पिछली क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन नाज़रीन करम, ये बड़ा सिंपल सी एडिटिंग है नाज़रीन, अगर मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा फैंसी सा करना, थोड़ा अच्छा सा करना ताकि लोग इसको देख के और ज़्यादा इसको प्रोफेशनल लगे, तो इसके अंदर मज़ीद इफ़ेक्टिवनेस कैसे ऐड की जा सकती है, वो लेगेसी टाइटल के ज़रिए होती है। तो उसको अब हम आपको दिखाएँगे कि लेगेसी टाइटल को किस तरह इस्तेमाल करके हम इसको मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले फाइल में जाएंगे, न्यू में चले जाएंगे और यहाँ पे लेगेसी टाइटल खोल लेंगे। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पे आपको पैनल दे देगा, इस पैनल का आप नाम रख सकते हैं, पिछली बार हमने नाम नहीं रखा था तो मैं यहाँ पे टाइटल 2 लिखा हुआ आ रहा है नाज़रीन, को सिर्फ टाइटल कर देता हूँ। ठीक है, सिर्फ टाइटल कर दूँगा तो एक मेरे सामने पूरी विंडो खुल जाएगी। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि मज़ीद इसको मैं आप लोगों को जब समझाऊँ तो इंशाल्लाह आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ सके। ठीक है नाज़रीन करम, अब इस पैनल को थोड़ा सा मैं आपको गाइड करूँगा और फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे हमारा लेगेसी टाइटल की डिज़ाइनिंग। तो नाज़रीन करम, इस वक्त आप देख सकते हैं कि इस वक्त इस जगह पर हमारे पास कुछ टूल्स मौजूद हैं जो हम लेगेसी टाइटल में इस्तेमाल करेंगे। इस जगह पर हमारे पास थोड़े बहुत टेक्स्ट अलाइनमेंट के ऑप्शन मौजूद हैं जो कि हम अपने इफ़ेक्ट्स एंड कंट्रोल में भी इनको देख चुके हैं इससे पहले, और इस साइड पे भी हमारे पास कुछ इफ़ेक्ट्स एंड कंट्रोल हैं जिसके हवाले से मैं ये करके आपको गाइड करूँगा। सबसे पहले हम ये करते हैं कि एक छोटी सी टेक्स्ट ऐड करते हैं दोबारा से यहाँ पे। ये टेक्स्ट हमने पीछे ऐड करी थी, उसकी लेयर डिफरेंट है। लेगेसी टाइटल के तहत हम एक दूसरी लेयर ऐड करेंगे, इसमें मैं दोबारा से लिखूँगा B3 कंसल्टेंसी। जब मैं दोबारा से B3 कंसल्टेंसी लिखा और इसको सेलेक्ट कर लिया तो नाज़रीन देखें यहाँ पे एक नया B3 कंसल्टेंसी लिखा हुआ आ गया। ठीक है नाज़रीन करम, अब वही बात कि ये ब्लैक करेंगे इसको ताकि नज़र आ सके। उससे पहले मैं आपको मज़ीद कुछ टूल्स के बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप यहाँ पर आ जाएँ, देखें कुछ इफ़ेक्ट्स हैं टेक्स्ट के हवाले से। इसको आप अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये अच्छा लग रहा है तो डायरेक्ट मैं इसको अच्छे से कर सकता हूँ इस पर क्लिक करके। ये थोड़ी सी शॉर्टकट है हमारे लिए कि हमको ज़्यादा एडिटिंग अगर नहीं करनी, हमको जल्द से जल्द कोई चीज़ बनानी है तो हम ऐसे इफ़ेक्ट्स को इस्तेमाल करके जल्द से जल्द अपनी एडिटिंग को बेहतर बना सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बड़ा ज़बरदस्त ज़बरदस्त से हमारे यहाँ पे टेम्पलेट्स मौजूद हैं, देखें कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है नाज़रीन, फ़िलहाल इसको मैं सिंपल कर देता हूँ ताकि मैं चाहता हूँ कि आपको बताऊँ, आपको सिखाऊँ, तो इस वजह से मैं इसको सिंपल कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने फ़िलहाल यहाँ पर इसको बिल्कुल सिंपल कर दिया। अच्छा, अब यहाँ से शुरू करते हैं जो हमारे पास टेक्स्ट के इफ़ेक्ट्स मौजूद हैं। ये सब चीज़ें मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत सिंपल सी चीज़ें और ये सब हम पहले भी आपको बता चुके हैं और ये आप ख़ुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पे आ जाते हैं ओपेसिटी के बारे में बात करते हैं। ये भी सिंपल सी चीज़ है, ओपेसिटी को ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहिए। इसको फ़िलहाल मैं यहाँ पर पहले ब्लैक कर दूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए कि हो क्या रहा है, वरना वाइट तो नज़र ही नहीं आ रहा है। ठीक है नाज़रीन, ब्लैक हो गया ये। ठीक है, इस पर मैं स्ट्रोक भी लगा दूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत ये नज़र आए कि हो क्या रहा है इसके ऊपर। स्ट्रोक, आउटर स्ट्रोक इस पर मैं ऐड कर देता हूँ, आउटर स्ट्रोक वाइट कर देता हूँ इसको मैं ताकि स्ट्रोक लग जाए। स्ट्रोक का साइज़ मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है नाज़रीन, इसको यहाँ पे नीचे आके हम मज़ीद डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओपेसिटी आपको पता है क्या होती है, कम ज़्यादा कर सकते हैं ओपेसिटी की मदद से। पोजिशन, जैसा कि आपको पता है ये एक्स की पोजिशन है, वाई की पोजिशन है, ठीक है, चेंज हो सकती है। विड्थ जो है ना, विड्थ देखें इसको जब मैं चेंज करूँगा तो देखें क्या हो रहा है। इस तरह विड चेंज करने से डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा आ जाती है जो कि बुरी लगती है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि इसको यहाँ से विड और हाइट को मत छेड़ने के, हाइट से इस तरह हो रहा है इसको मत छेड़ें। यहाँ से आप इसको छेड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ से भी जब आप छेड़ेंगे तो देखें डिस्टॉर्शन इसमें भी आ रही है। तो इसका सीधा सा एक हल होता है, शिफ्ट दबा के छोटा बड़ा करेंगे तो बिल्कुल बराबर से छोटा बड़ा होगा। ठीक है नाज़रीन, इस चीज़ को समझें। अच्छा, आगे बढ़ते हैं रोटेशन के ऊपर। देखें रोटेशन सिंपल सी चीज़ है, इसको भी बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा और आगे बढ़ जाते हैं,
फॉन्ट फैमिली देखेंगे आगे। फॉन्ट फैमिली से सिंपल सी मुराद ये है कि इसमें आपको मुख्तलिफ फॉन्ट के डिज़ाइन मिल जाएंगे। आप देखें इसको मुख्तलिफ डिज़ाइन चेक करें, जो आपको अच्छा लग रहा है उसको चलें, और यहाँ से इसके मज़ीद उसके अंदर जो रेगुलर इटैलिक वगैरह का ऑप्शन होते हैं, जो कि आपको हर फॉन्ट में हर ऑप्शन नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ फॉन्ट में आपको इटैलिक और दीगर नैरो वगैरह के ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है नाज़रीन, अगर हम फॉन्ट साइज़ को छोटा करना चाह रहे हैं तो यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। एस्पेक्ट को छोटा करना चाह रहे हैं तो ये एस्पेक्ट भी वही चीज़ है, इसको छोटा मत कीजिएगा यहाँ से। ठीक है नाज़रीन, अच्छा लीडिंग देखें क्या होती है, लीडिंग के अंदर क्या मामला होता है। अगर मैं इसको यहाँ से बढ़ाऊँगा तो देखें इसको मैं बढ़ा रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा फ़र्क, लीडिंग का मतलब क्या होता है देखें मैं आपको समझाता हूँ। फिलहाल इसको ज़ीरो कर देता हूँ। लीडिंग सबसे फ़र्क जब पड़ेगा जब मैं इन दोनों के बीच में एक इंटर दबा दूँ, और अब मैं इसके अंदर देखें लीडिंग बढ़ाऊँगा तो होगा क्या, देखें वो इनका जो लाइन का आपस में डिस्टेंस है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो बेसिकली जब लाइन में आप डिस्टेंस देना चाह रहे हैं इंटर के बाद यानी अगली लाइन में, तो उसके लिए आप लीडिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है नाज़रीन, लीडिंग ये होती है, वापस पीछे ले जाते हैं। अच्छा अगली चीज़ क्या कह रही है, कर्निंग। कर्निंग क्या होती है नाज़रीन, अगर हम देखें कर्निंग को मैं जब बढ़ा रहा हूँ तो कर्निंग से देखें डिस्टेंस इनके वर्ड्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है। ठीक है, और नीचे जब मैं ट्रैकिंग देखें, ट्रैकिंग को बढ़ा रहा हूँ तो तब भी यही हो रहा है, ये क्या सीन है, इसको कैसे समझेंगे। इसको सिंपल देखें, इसमें इन दोनों में फ़र्क क्या होता है इसको समझें। जब मैं उसके सेंटर में चला गया, सी और ओ के सेंटर में चला गया, मैंने इसके ऊपर होल सिलेक्शन हटा दी और देखें सेंटर में मेरा कर्सर मौजूद है। ठीक है, अब देखें मैं अगर ट्रैकिंग को बढ़ाऊँगा तो देखें अब भी सब एक साथ ही छोटे बड़े हो रहे हैं। ठीक है नाज़रीन, लेकिन मेरा कर्सर सेंटर में है। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ से सी और ओ के दरमियान डिस्टेंस बढ़े और किसी में ना बढ़े, तो देखें सेंटर में अपना कर्सर ले आके जब मैं कर्निंग को बढ़ाऊँगा तो देखें सिर्फ उसके अंदर डिस्टेंस बढ़ेगा। तो बेसिकली कर्निंग और ट्रैकिंग में ये फ़र्क है कि आप कर्निंग से इंडिविजुअली आप जो डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं। ठीक है नाज़रीन, अगर आप इसी तरह आप अगर अपने एक स्पेसिफिक डेटम से अपने टेक्स्ट को ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं तो वो आप बेस लाइन शिफ्ट से कर सकते हैं। बेस लाइन से आप जितना शिफ्ट करना चाहें उसको शिफ्ट करें। ठीक है, ज़रूरी नहीं होता नाज़रीन के सारे ऑप्शन ही आप इस्तेमाल करेंगे, ये सारे ऑप्शन आपको बता रहा हूँ, आपको जिसको इस्तेमाल करके अपने इसको बेहतर बनाना है वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, स्मॉल कैप्स कर सकते हैं आपके, आपका एक जो भी आपके साथ होगा स्मॉल कैप्स हो जाएगा। देखें इसको मैं पहले आपको छोटा कर दूँ फिर स्मॉल कैप्स आपको लगा के दिखाऊँगा। देखिए पहला वर्ड जो है उससे क्या होता है, स्मॉल कैप्स पर जैसे क्लिक किया मैंने, पहला वर्ड कैप अपने साइज़ का रहेगा, उसके बाद बाकी छोटे हम कर सकते हैं स्मॉल कैप्स की मदद से। ठीक है, अंडरलाइन हम कर सकते हैं, हम अंडरलाइन करना चाहें तो अंडरलाइन पे क्लिक कर दें, देखें अंडरलाइन हो गया। ठीक है नाज़रीन, डिस्टॉर्ट हम कर सकते हैं इधर इसकी मदद से। फिल मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कलर चेंज करने का तरीका है। ठीक है, ओपेसिटी कैसे कम कर सकते हैं, ओपेसिटी भी कम हो सकती है। ठीक है नाज़रीन, सारी बताना बहुत लंबा पड़ जाएगा आप लोग इसको, ये बहुत छोटी बहुत मामूली सी चीज़ें, अगर आप इसको ख़ुद भी देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा इसमें आप खुद भी देख के काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। और अगर कोई चीज़ अगर स्पेशली मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, बहुत आसान सी चीज़ है, टेक्स्ट को डिज़ाइन करने के काम आती है। और ग्रेडियंट भी ऐड कर सकते हैं आप यहाँ से, देखें फिल के ऊपर जब मैं गया था सॉलिड फिल अगर आप कर देंगे तो देखें सॉलिड फिल हुआ हुआ है, आप यहाँ से ग्रेडियंट भी लगा सकते हैं। ग्रेडियंट लगाएं, दो कलर वाला ग्रेडियंट है ये। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही मैं इस पहले डिब्बे पे कलर क्लिक करूँगा तो इसका कलर मैं येलो रख सकता हूँ फॉर एग्जांपल, और इसको मैं ऑरेंज रहने दे सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद जब मैं इसे ओके कर दूँगा हमने लेगेसी टाइटल से अपना टैग्स डिज़ाइन करने के बाद, अब इसको अपने प्रोजेक्ट में ऐड करने का तरीका क्या होगा उसके वो ज़रा देख लें कैसे ऐड कर सकते हैं। बड़ा आसान सा तरीका है, प्रोजेक्ट विंडो में है, यहाँ पे देखें हमारे पास वही टाइटल जो हमने बनाया था वो यहाँ पे मौजूद है। यहाँ वो डायरेक्ट टाइमलाइन पे नहीं आता, हमने हमारे पास प्रोजेक्ट पैनल में आता है, यहाँ से हमें पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है। ठीक है, जैसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं तो बिल्कुल एक वैसी लेयर बन जाती है, तो छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, और देखें वही टैग्स जो हमने वहाँ पर बनाया था वो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है। तो इसी तरह हम मजीद लेगेसी टाइटल से जिस तरह भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम मुख्तलिफ ग्रेडियंट और मुख्तलिफ इफेक्ट्स को पीछे शेडो लगा के बड़ा अच्छा सा डिज़ाइन बना सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ठीक है नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको लेगेसी टाइटल समझ में आया होगा। इसी के साथ
अगली बात कर लेते हैं एक्सपोर्ट के हवाले से। अच्छा, एक्सपोर्ट के हवाले से अब बात करूँगा मैं, इसको एक्सपोर्ट कैसे किया जा सकता है ये वीडियो। अगर फॉर एग्जांपल मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, यानी कि ये बन चुकी है, अब मैं इसको MP4 के फॉर्मेट में रखना चाहता हूँ, निकाल के एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ सॉफ्टवेयर से, तो वो कैसे होती है, अब उसका तरीका समझ लेते हैं। सिंपल काम करना है आपने, यहाँ पर फाइल में जाना है, एक्सपोर्ट में चले जाना है, यहाँ पर मीडिया लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पर इसका शॉर्टकट Ctrl+M है, तो हम Ctrl+M भी दबा सकते हैं और यहाँ से भी जा सकते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक कर देंगे तो नाज़रीन कराम ये इस तरह का एक आपके पास पैनल खुल जाएगा। अच्छा नाज़रीन कराम, इस चीज़ इसको मैं अब आपको बताना चाह रहा हूँ थोड़ा सा, कि ये एक पैनल खुलता है और इसके अंदर बहुत सारी ऐसे सेटिंग्स हैं। अगर मैं आपको बताने बैठ गया तो बहुत लंबी वीडियो कर सकता हूँ और बहुत कुछ आपको बता सकता हूँ, किसका क्या फ़ायदा क्या नुकसान, वो एक लंबी वीडियो हो जाएगी। और जैसा कि मैं कह चुका हूँ कि हम फालतू चीज़ें आपको नहीं बताने वाले, तो ये उसके भी ख़िलाफ़ हो जाएगा। नाज़रीन सिंपल सी बात आपको बता रहा हूँ, जो सेटिंग मैं बड़ी सिंपल सी सेटिंग बताऊँगा और वही सेटिंग आप जैसी वीडियो आपकी ओरिजिनल होगी बिल्कुल एज इट इज़, उसी को आपको ज़बरदस्त तरीके से एक्सपोर्ट करके आपको बाहर दे देगी HD क्वालिटी में, जो आप जिस तरह आपने वीडियो बनाई है। तो नाज़रीन इसकी गहराई में जाके इसको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी वीडियो पर। आपकी वीडियो जिस रेजोल्यूशन में बनी है उसी में एक्सपोर्ट होती है, उसको आप छोटा तो कर सकते हैं, बड़ा नहीं कर सकते उसकी रेजोल्यूशन को, क्योंकि ये आपके कैमरे पे डिपेंड करता है। अगर इसी तरह छोटी वीडियोस बड़ी हो रही होती तो हर बंदा छोटे मोबाइल से वीडियोस बना के उसे HD कर रहा होता। तो नाज़रीन सिंपल सी सेटिंग समझें, सबसे पहले आप यहाँ पे आएंगे, ये सब चीज़ें अपनी सेट होती हैं, लेकिन अगर नहीं हो तो सिंपल सा इस पर जाएँ और H.264 इसको सेलेक्ट कर लें, पहली चीज़ को सेलेक्ट करनी है। दूसरे पे आएँ प्री सेट पर, फॉर्मेट ये आपका फॉर्मेट कहलाता है, ठीक है, प्री सेट पर आएँ, प्री सेट पर जाके मैच सोर्स हाई बिटरेट कर लें। अच्छा इसको थोड़ा सा समझ लें, और भी इसमें फॉर्मेट्स मौजूद हैं, फेसबुक 720, मोबाइल डिवाइस 720, ट्विटर और सबके अलग अलग फॉर्मेट भी मौजूद हैं रेजोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूट्यूब के भी मौजूद हैं Ultra HD 4K। लेकिन नाज़रीन फिर वही वाली बात करूँगा कि अगर आपके कैमरे से इतनी बड़ी वीडियो नहीं बनी तो इसको आप जितना भी बड़ा एक्सपोर्ट करेंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा, फाइल साइज़ बड़ी होगी सिर्फ और आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। तो सबसे सिंपल सा काम ये होता है, मैच सोर्स हाई बिटरेट पर रखें, जैसी वीडियो होगी वैसी एक्सपोर्टिंग होगी, जल्दी भी एक्सपोर्ट होगी और आपकी अच्छी एक्सपोर्टिंग भी होगी, ठीक है। दूसरी चीज़ को सेट करना होता है, आउटपुट नेम को देखना होता है, इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो वो नाम जिस नाम से आप इसे एक्सपोर्ट करने वाले, और देखें यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है MP4 में एक्सपोर्ट हो, और यहाँ पर आप अपने किसी कोई भी फोल्डर पर इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। देखें मेरी ड्राइव्स हैं, मैं कहीं भी जाके इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो ये आप सब जानते हैं कि आप जहाँ भी इसको जिस जिधर इसकी फाइल बनाना चाह रहे हैं वहाँ जाएँ और उसका कोई भी नाम रखें। देखिए अभी इसका 14 नाम है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसका नाम रखना चाह रहा हूँ Finish 2। जैसे ही मैं इसको Finish 2 करके सेव कर दूंगा, देखें Finish 2 के नाम से अब ये जहाँ मैंने सेट किया होगा वहाँ पे जाएगी। अच्छा अगली चीज़ पे आते हैं, एक्सपोर्ट वीडियो एक्सपोर्ट ऑडियो, ये इस पर चेक लगा हुआ होता है, नहीं लगा हुआ तो आपने इस पर चेक लगाना होगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें सिर्फ ऑडियो चाहिए होती है तो इस पर फिर वीडियो से चेक हटाते हैं और ऑडियो पर चेक लगाते हैं तो ऑडियो एक्सपोर्ट हो जाती है। कभी ऐसा होता है कि ऑडियो नहीं चाहिए वीडियो चाहिए तो ऑडियो पर चेक हटाते हैं, वीडियो पर लगाते हैं तो वीडियो एक्सपोर्ट हो जाती है। आगे बढ़ जाए, बाकी किसी भी चीज़ के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, सारी बहुत सारी चीज़ें इनमें सब पे डिफ़ॉल्ट रहने दें, किसी की चीज़ को छेड़ें नहीं, ठीक है। नीचे आ जाएं, यहाँ पे आप ये देख लें यूज़ मैक्सिमम रेंडर क्वालिटी पे चेक लगावाओ, ठीक है, इससे इस चीज़ को आप चेक लगाएं और दैट्स इट, ये आपकी सेटिंग कम्प्लीट हो चुकी हो। यहाँ पर आप जैसे एक्सपोर्ट का बटन दबा देंगे तो आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगी और जिस जगह पर आपने इसको सेलेक्ट किया है वहाँ पर सेट हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और कोई सवाल हो तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अगली क्लास में मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।